अब वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। इस बार के गुप्त नवरात्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं और साथ ही मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नहीं कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि गुप्त नवरात्र में नौकरी बदलने का प्रबल योग बन रहा है। इस समय अगर आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे तो चुनौतियां आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक एक तरफ खर्च बढ़ेगा तो दूसरी तरफ आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन गुप्त नवरात्र में निवेश करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस समय अपने रिश्ते में अहंकार को ना आने दें। खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो पाचन संबंधी परेशानी आपको दिखाई देगी, पेट के रोग परेशान करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ सकती है। पूरे गुप्त नवरात्र माँ दुर्गा को गुड़हल के फूलों की माला बनाकर अर्पित करें। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ भगवती की पूजा उपासना करें। किसी भूखे व्यक्ति को काले चने और पूड़ी खिलाएं और पूरे नवरात्र में छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें कुछ खाने के लिए दें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां निवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां शक्ति की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, जान लेते हैं। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको अपने काम में लापरवाही से बचना होगा। अधिकारियों की नाराजगी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। देखिए, आपकी धनु राशि है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। ये शायद आपके लिए कम ठीक है और ये नवरात्र भी इसी संयोग में पड़ा हुआ है। तो कारोबार में धन लाभ तभी होगा जब आप सही फैसले ले पाएंगे, और सही फैसला तब ले पाएंगे जब आप भगवती का हर समय स्मरण करेंगे, क्योंकि ये बुद्धि स्वरूपा हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुष्य की बुद्धि स्वरूपा देवी जो हैं वही भगवती हैं, वही जगत जननी जगदम्बा हैं जो बुद्धि स्वरूपा हैं। और बुद्धि स्वरूपा देवी की यदि हम उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु कृति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जब भगवती आपके अंदर बुद्धि स्वरूपा होकर के प्रकट हो जाएंगी तो आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, आपका यश बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 15 जुलाई तक आप अपने परिवार के कारण थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, पिता की सेहत भी आपको तनाव दे सकती है। गुप्त नवरात्र में सात्विक भोजन खाएं वरना पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। पूरे गुप्त नवरात्र दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े पहनकर ही माँ दुर्गा की पूजा करें। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दें। जय मां निवासिनी।